फरीदाबाद के गांव तेगांव में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर के समर्थन में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि जो वादा घोषणा पत्र में लोगों को भविष्य में देने के लिए किए गए हैं, वो सभी सुविधाएं पहले से ही बीजेपी सरकार लोगों तक पहुंचाती आई है। गरीब माने जो 10-15 हजार 20 हजार का महीना कमाता है वो गरीब है। हमने ये कह दिया कि अच्छा भी इसके भविष्य करते हैं। पहला लाभ इसी समाज का, बैकवर्ड क्लास के समाज का, जिनकी आय साल की 3 लाख रुपया है, अर्थात महीने की 25 हजार रुपया है, ये जो सारे लाभ है पहले उसको मिलेंगे। कुछ बच जाएगा तो फिर 3 से 6 लाख वाले मिलेंगे, लोग संतुष्ट हुए, बात तो ठीक है। ये है गरीबी को दूर करने का अंत्योदय का फार्मूला, हमने लागू कर दिया। अब इनके पास कुछ ऐसे इनके सलाहकार हैं, नहीं नहीं 6 लाख भी कम है, इस गरीबी लेवल की जो लिमिट है इसको 8 लाख करो।